It was insurgency till some time ago, in which secessionists within our country were being encouraged. But we have gradually brought that down to a considerable extent. Today, as most of the participants reported, and those who have been in the operations in Jammu and Kashmir itself, a majority of those who are apprehended or who are killed in the course of operations, they are foreign mercenaries. I wouldn't call it any more of an insurgency, but I would say it is more or less proxy war. समोर आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचं जे गांभीर्य आहे त्याची जाणीव देण्याचं काम सुद्धा त्यांनी एवढ्या त्याचप्रमाणे हिंद मजूर किसान पंचायतीतर्फे श्री शंकरराव साळवी. क्या आप देख रहे हैं आपके अजमाने में कहां कौन सा सबसे अधिक आपको खतरा कहां से दिखाई दे रहा है? तो मैंने यह उत्तर एक बार नहीं बार बार दिया था कि पाकिस्तान से तनाव है, संघर्ष है, कश्मीर में चल रहा है, अनेक स्थानों पर अनेक किस्म का समस्याएं हरकतें हो रही हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को, पाकिस्तान को ऐसा खतरनाक चीज़ नहीं कि हम ये कहें कि हमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है. अगर खतरे की बात करनी है और उसको अजमाकर अगर देश के सामने कोई बात रखनी है तो मेरी ये मान्यता है कि इस देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन से है. अटल जी का भाषण है 8 मई 1959 का लोकसभा में. इन द मैप्स ऑफ चाइना ये प्रोविंस ऑफ आवर्स इज सेट टू बी देयर्स. द कम्युनिस्ट ऑफ चाइना हैव एक्सपेल्ड चियांग काईशे बट हैव केप्ट हिज मैप्स. इफ दे हैड वांटेड they could have rejected also his maps, and our communist friends have not seen these maps. I don't believe what they are saying, but this is an indirect attack of China on India. Bahut kuch hai, kaun kaun jagah par chin ne kabza kiya hai, ye sab cheez is bhashan mein hai, lekin aaj uske liye na ye zaruri hai, uske liye waqt hai na uski is samay koi zarurat hai. I would like to make it clear that we want friendly relations with Pakistan. We do not want any tensions with Pakistan. Something in reply to the danger that we have to face as far as China is concerned. At the same time, मुझे पूरा विश्वास है हमारे संसद पर अमरीकियों का इतना पकड़ नहीं है और नहीं हो सकता है कि वो इस प्रकार के रिपोर्ट लिखवाएं ताकि मुझ जैसा आदमी फिर उसे लोगों के बीच में चिल्ला चिल्ला कर रखने जाएं.